हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब है बेली सेवम स्टार्लिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका जवाब है मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर है अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका आंसर है ग्रीक भाषा के शब्द से। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जवाब है शैवाल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है बीज। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है घासों का। अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है वर्गीकी। अगला क्वेश्चन, किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया है? इसका आंसर है लिनियस को। विषाणु वृद्धि करता है इस जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका आंसर है साइकस से। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक ने।